हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लावण्या बुटीक। तो आज हम सीखेंगे स्लीव की डिजाइन। तो इसके लिए मैंने स्लीव का कटिंग कर लिया है और जो मेन फैब्रिक है उसका भी कटिंग कर लिया है। स्लीव का लंबाई हम 7 इंच लगा रखे हैं, सिल के तैयार 6 इंच है, तो मैं 1 इंच बढ़ा के रखी हूँ। 8.5 इंच का आर्म होल है, 7 इंच का मुहरी है और 2-2 इंच का सिलाई मोल है। तो ये कटिंग तो कर लिया है, अब इसमें हम 2 इंच ऊपर छोड़ के और 2 इंच नीचे छोड़ के हम अपना डिजाइन बनाएंगे। ये राउंड वी नेक का डिजाइन बनाना है स्लीव में। तो अब इसको हम इसमें कटिंग नहीं करके बकरम में बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा ये मेन फैब्रिक है और जो अस्तर वाले हैं उसको और अच्छे से कर लेंगे। मोहरी को स्टिच कर लें। अब चारों तरफ अस्तर और जो मेन फैब्रिक को भी सिल लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको कट कर। तो इसको हम अस्तर को अटैच कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको भी कट कर लिए हैं। तो जिस तरह मैं पहले ही बताई थी कि 2 इंच ऊपर छोड़ना है और 2 इंच नीचे छोड़ना है, तो इसके बीच की जो दूरी है उतना ही हम बकरम का पीस लेंगे। ये 3.5 इंच है तो हम 4 इंच का बकरम का पीस लेंगे और चौड़ाई हम रखेंगे इसके 1.5 इंच की। तो चलिए फिर ये स्लीव का डिजाइन हम बकरम में कटिंग करते हैं। तो ये 4 इंच का मैं बकरम लिया है। और 2.25 इंच इसकी चौड़ाई रखे हैं। तो इस तरह हम शेप बना के इसको कट कर लेंगे। अगर आप ये डिजाइन बड़ा करना चाहते हैं तो जो हम ये 1.5 इंच का लिए हैं उसको 2 भी रख सकते हैं। तो हमारा डिजाइन का कटिंग हो गया। आप इसको प्रेस से भी चिपका सकते हैं या इसमें चारों तरफ स्टिच कर सकते हैं। तो ये डिजाइन को हम ये कपड़े में चिपका लिए हैं और उसके एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लिए हैं। अब इसको हम इसके किनारे को मोड़ के सिल लेंगे। अब ये दोनों का सेंटर मिला के इसको हम स्टिच करेंगे। तो ये जो हमारा ये जो पत्ती शेप है उसको नीचे रखना है और जो राउंड शेप है उसको ऊपर रखना है।
अब इसमें हमें बकरम के पास से सिलाई लगानी है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसको हम अंदर की तरफ डिजाइन जो बनाए हैं उसको सीधा कर लेंगे। अब इसमें एक सिलाई लगा सकते हैं जिसमें ये अच्छे से बैठ जाएगा। तब तो इसकी हम स्टिच तो कर ली है और अब इसमें हम ये लेस अटैच कर देंगे। अब एक राउंड की सिलाई लगा लिए हैं। अब इसी तरह हम दूसरे राउंड के लिए इसमें सिलाई कर लेंगे। ये लेस कंप्लीट हो गया। हम अब मशीन तो गाइस हमारा ये स्लिप का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। ऐसे आप भी बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।